फिक्शन और नॉन फिक्शन। अफसानवी अदब कौन कौन से हैं? अफसानवी अदब के अंदर दास्तान, ड्रामे, नॉवेल और अफसाने, यानी जिनके अंदर कहानी हो, कहानीपन हो, किस्सा हो, यानी जो अफसाने की अफसानवी अदब फिक्शन की जो मेन वो है किस्सापन, कहानीपन। और गैर अफसानवी अदब में आएंगी सवाने निगारी, खुदनवेस, खतूत निगारी, मजमून निगारी, इंशाइया निगारी, ये सब चीज़ें आएंगी गैर अफसानवी अदब में। अब हम जानते हैं जो दुनिया हमारे सबसे जो कदीम सिन्फ है, सबसे जो पुरानी सिन्फ है वो है दास्तान। जब हमारे यहाँ पर राजा बादशाह ये लोग हुआ करते थे तो इनके मनोरंजन का, मन बहलाने का एक ज़रिया था जो था कहानियाँ सुना करते थे, किस्से सुना करते थे। तो सबसे जो कदीम सिन्फ है वो है दास्तान। दास्तान की खसूसियत है कि उसके अंदर किस्सा दर किस्सा दर किस्सा कहानी आगे बढ़ती जाती है, यानी एक ही कहानी के अंदर बहुत सारे किस्से होते हैं। और उसकी जो एक ख़ास खसूसियत है वो है कि उसके अंदर माफ़ुकुल फितरत अनासिर मिलते हैं। अभी माफ़ुकुल फितरत अनासिर क्या है? यानी फितरत से परे चीज़ें, ख्यालों की दुनिया। यानी हकीकत ये कहती है कि जो घोड़ा होता है वो ज़मीन पर चलता है, दौड़ता है, और जो परिंदे होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं। लेकिन इन कहानियों के अंदर घोड़ा ज़मीन पर भी दौड़ सकता है और आसमान में भी दौड़ सकता है और पानी पर भी दौड़ सकता है। तो ये ख्यालों की दुनिया। तो हम उसको जितने भी जिन, परी, परिस्तान, जादू, तिलिस्म, ये सब जो हैं वो माफ़ुकुल फितरत अनासिर के अंदर मिलते हैं। तो दास्तान की एक अहम खसूसियत है कि वो एक तो तवील होती है, यानी वो लंबी होती है, उसके अंदर किस्सा दर किस्सा दर किस्सा कहानी आगे बढ़ती जाती है। एक मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि एक बादशाह के यहाँ पर एक नौकरी करते थे और वो दास्तान गो थे, वो दास्तान सुना रहे थे। तो दास्तान चल रही थी और दास्तान की कहानी उस मोड़ पर थी कि जो मरकजी किरदार था उसका, वो उसकी बारात आ रही थी। अब उनको कोई ज़रूरी काम आ याद आ गया तो अपने बेटे से बोल करके गए कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक ये बारात घर की चौखट के अंदर ना आने पाए। और वो गए और वो 1 महीने बाद आए और ऐसा ही हुआ कि उनके बेटे ने उस कहानी में एक किस्सा और जोड़ करके वो बारात जब तक वो ना आए तब तक वो घर के चौखट के अंदर नहीं गई। तो कहने का मतलब यह है कि दास्तान बहुत तवील होती है, उसमें माफ़ुकुल फितरत अनासिर होते हैं, फितरत से परे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे किरदार होते हैं। और अगर हम कहें तो ये शाही ख़ानदानों के लिए लिखी जाती थी, जो राजा और बादशाह हुआ करते थे उनके लिए लिखी जाती थी। क्योंकि हम जितने भी हम दास्तानों को पढ़ते हैं उनके जो किरदारों के नाम हैं वो सब बादशाह, शहजादा, परी, परिस्तान, ये सब चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर दास्तान बागो बहार, जो कि